फेडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या लिखा बेटा नंबर चार पे हमने? फेडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब आप मुझे कमेंट्स में जल्दी से आंसर बताएंगे कि फेडल क्राफ्ट जो अभिक्रिया है वो कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम करवाते हैं। हमने इस रिएक्शन को कम से कम 3-4 बार पढ़ लिया होगा जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं। तो फेडल क्राफ्ट अभिक्रिया कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है बेटा? निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं। अब इस अभिक्रिया के आपने दो प्रकार पढ़े थे, तो एक तो फेडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया और दूसरी फेडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। तो नंबर पहली बात कर ले इसमें फेडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। तो बेटा कौन सी अभिक्रिया लिखी है मैंने यहाँ पे? फेडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। तो बेटा अब इस अभिक्रिया में आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि फेडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया में, फेडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया में आप अभिक्रिया किससे कराओगे? सेम रिएक्शन में बेटा कोई ज़्यादा अंतर नहीं है कि फिनोल की अभिक्रिया किससे? एल्किल हैलाइड से। तो हैलोजन और एच अलग हो जाएगा और बेंजीन वाले के ऊपर एल्किल समूह जुड़ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ, फिनोल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर। अब क्या होगा कि ये जो एल्किल होगा वो फिनोल के साथ जुड़ जाएगा, तो कराने पर एल्किल, अब वो बेटा कंडीशन की एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पेरा पे, कराने पर ऑर्थो या पेरा एल्किल फिनोल प्राप्त होता है। क्या लिखा बेटा? ऑर्थो या पेरा एल्किल फिनोल प्राप्त होता है। अब देखो बेटा इसकी हम रिएक्शन की बात करें तो क्या किया, ये फिनोल, फिनोल की अभिक्रिया बेटा किससे? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड को लिखने का तरीका क्या था, कैसे लिखते हो? RX एल्किल हैलाइड, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? उल्टा XR। अब बेटा आप समझदार हो कि उपस्थिति में किसकी होगी? निर्जल AlCl3। तो होगा क्या बेटा कि यहाँ से H, अब बार बार H रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है बेटा मुझे, तो यहाँ से H, यहाँ से X बाहर, तो इस R को मैंने इस ऑर्थो में जोड़ दिया, या यहाँ से H, यहाँ से X बाहर, इस R को हम यहाँ जोड़ देंगे, तो क्या कंडीशन होगी? ये OH, R, OH, R कंडीशन आ गई बेटा। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब बेटा इनके नाम के लिए आपको बात समझ में आ गई कंडीशन कि OH और यहाँ पे R, तो ऑर्थो एल्किल फिनोल, पैरा एल्किल फिनोल। अब हमें यहाँ से एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, आपने ये रिएक्शन पढ़ ली, एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है बहुत बार कि फिनोल से और तो किस रोल बनाओ या परिवर्तित करो। बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको बहुत बार रिएक्शन चैप्टर एंड के बाद पूछ लेता हूँ, क्योंकि बेटा ये क्या कि रिएक्शन पढ़ने के तुरंत बाद तो आपको याद रह जाएंगे और बाद में देखोगे तो बिल्कुल भूल जाते हैं। तो अगर आपकी यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आगे समय तक, लंबे समय तक ये याद रहेंगे। तो मैंने क्या लिखा, फिनोल से आप क्या बना रहे हो और तो किस रोल बनाओ।
अब बेटा आधे बच्चों को तो और तो किस रोल की सजना याद नहीं आई होगी कि सर ने क्या कहा था। बिल्कुल सिंपल सा था बेटा कि बेंजीफिनोल के साथ, और तो किस रोल का क्या बताया था, फिनोल के साथ क्या जोड़ दो, CH3 फिनोल के साथ CH3 जोड़ दो तो ये कंडीशन आपकी आ जाएगी। तो देखो बेटा यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगी, ये OH, ये फिनोल। अब मुझे पता है CH3 जोड़ना है तो मैंने ले लिया मेथिल क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, Cl CH3। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेथिल क्लोराइड, किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया। तो यहाँ से H और यहाँ से X, अभी वो H नज़र नहीं आएगा लेकिन कंडीशन आपको मानना कि यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर, तो CH3 एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। तो कंडीशन हमने ये बना दी OH CH3। तो ये आपका क्या बन गया, ऑर्थो किसरोल। इसका नाम मैंने ऑर्थो किसरोल कैसे दिया है, वो हमने पहले वाली 2 या 3 दिन पहले क्लास ली थी, उस समय हमने इसके बारे में डिटेल से बात की थी। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया में फिडल क्राफ्ट एल्किली करण। बड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद इसकी नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं। फिडल क्राफ्ट बड़ा एसिटिलीकरण, नेक्स्ट अभिक्रिया बेटा मैंने कौन सी लिखी है, फिडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। अब बेटा समझ जाना कि एसिटिलीकरण जब आएगी, जब किसी अभिक्रिया में CH3 C डबल बॉन्ड O समूह जोड़ना तो वो कौन सी होगी, एसिटिलीकरण। अब मुझे पता अंतर क्या है, फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया सेम प्रोसेस है, तो यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिया, Cl। तो अब यहाँ से Cl बाहर चला जाएगा, क्या बाहर चला जाएगा बेटा, यहाँ से Cl और बेंजीफिनोल वाले ऑर्थो या पैरा कंडीशन से H बाहर चला जाएगा और ये एसिटिल समूह वहाँ जुड़ जाएगा। तो सिंपल से रिएक्शन है, तो लिखेंगे कैसे कि फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या पड़ा है, CH3 C डबल बॉन्ड OCl। फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर ऑर्थो या पैरा एसिटिल फिनोल प्राप्त होता है। तो ऑर्थो या पैरा एसिटिल फिनोल प्राप्त होता है। रिएक्शन समझने की कोशिश करें तो बड़ा सिंधी सी बात है, फिनोल लिया, ये फिनोल आपने यहाँ बनाया, क्रिया किससे कराओगे, एसिटिल क्लोराइड। तो इसको उल्टा लिख लेते हैं, ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, Cl C डबल बॉन्ड OCH3। ये क्या लिख लिया आपने, एसिटिल क्लोराइड। अब आपने क्या किया बेटा, इसकी अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाई। तो बेटा सीधी सी बात है, यहाँ से H, अब मैं यहाँ पे H रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर, तो इस समूह को एक बार ऑर्थो पे जोड़ दिया, यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl बाहर, इस समूह को एक बार यहाँ पैरा पे जोड़ दिया। तो कंडीशन क्या होगी, OH C डबल बॉन्ड OCH3 OH
सी डबल बॉन्ड ओ, या इसको सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, सेम लिखने का अंतर बेटा। तो इसका नाम तो आपने क्या दिया बेटा, एसिटिल, कौन सी कंडीशन पे, ऑर्थो पे, तो ऑर्थो एसिटिल फिनोल, क्या नाम दिया, ऑर्थो एसिटिल फिनोल। और इसका क्या नाम हो गया, पैरा एसिटिल फिनोल, इसका नाम हुआ ऑर्थो एसिटिल फिनोल, इसका नाम हुआ पैरा एसिटिल फिनोल। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बात करें।